नाजरीन, अनंतनाग एनकाउंटर के हवाले से बात करते हैं। आज जो अनंतनाग एनकाउंटर का सातवां दिन है और आज सातवें रोज जीओसी 15 कॉप्स राजू गाय और एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर पर्सनली इस एनकाउंटर साइट का जायजा ले रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस एनकाउंटर में अभी तक 5 लोगों की जान चली गई है, जिनमें आर्मी कर्नल, आर्मी मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का GYSP और 2 फौजी एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं। आपको बता देते हैं कि 7 दिन कबल अनंतनाग जिले के गुजुल इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और इनिशियल स्टेज पर मिलिटेंटों की जानब से फायरिंग की गई थी और इनिशियल स्टेज पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस का DYSP है, आर्मी कर्नल है और आर्मी मेजर है, वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, जिनको इवैक्यूएट करके अस्पताल ले जाया गया था। ताहम शाम देर गए वो जख्मों की ताब नलाते हुए चल बसे। तब से लेकर आज तक मजीद 2 फौजी अहलकारों की हलाकत हुई है और कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली गई है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जम्मू कश्मीर का DYSP, आर्मी मेजर और आर्मी कर्नल वो पहले ही इनिशियल स्टेज पर फायरिंग की गई थी जब मिलिटेंटों की जानिब से, तो इस दौरान हलाक हुए थे और मजीद 2 फौजी अहलकार भी इस एनकाउंटर में हलाक हुए हैं। आपको ये भी याद दिलाते हैं कि इस एनकाउंटर साइट के करीब से एक हाइड आउट भी बस्ट किया गया है, जहां से एक जली हुई बॉडी रिकवर हुई है। फोर्सेस का मानना है कि ये जो बॉडी है ये मिलिटेंट की हो सकती है, लेकिन उस बॉडी को अस्पताल DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उस पुलिस का ये मानना था कि इस एनकाउंटर साइट पर 2 मिलिटेंट फंसे हुए थे, एक लोकल बताया गया, दूसरे की शनाख्त मुमकिन नहीं हो पाई थी। पुलिस का ये मानना है कि इस एनकाउंटर साइट में जो लोकल मिलिटेंट है वो उजैर खान है, जो इस एनकाउंटर साइट पर ट्रैप हुए थे। पुलिस ने उस बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया है और जो उजैर के घर वाले है उनको भी इन्फॉर्म किया इस हवाले से और उनको भी अस्पताल बुलाया गया ताकि उनका भी DNA लिया जाए और दोनों का जो DNA है वो अस्पताल में मैच कराया जाए, लेकिन उस हवाले से अभी कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आज गुजुल एनकाउंटर का सातवां दिन है और आज सातवीं रोज ADGP कश्मीर विजय कुमार और GOC 15 कॉप्स राजू गाय स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उस इलाके में लगातार कॉर्नर सर्च ऑपरेशन जारी है।